आज हम इमरजेंसी प्लानिंग या टॉपिक पे बात करने आ रहे हैं। इमरजेंसी प्लानिंग क्या होती है, कैसे होती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इमरजेंसी प्लानिंग का मतलब हिंदी में होता है आपातकालीन योजना। आपातकालीन योजनाएं का जो कायदा है वो कैसे है वो सबसे पहले जान लेते हैं। कारखाना कायदा 1948 धारा 41B के अनुसार ऐसे सभी कारखाने जिनमें खतरनाक व्यवसाय चलाया जा रहा हो या खतरनाक व्यवसाय हो रहे हो, ऐसे कारखानों में कायदे के अनुसार वहाँ पे इमरजेंसी मीन्स आपातकालीन योजनाएं बनी होना चाहिए। वो भी चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री के स्वीकृति के अनुसार, उसके नियमों के अनुसार, उसके अप्रूवल के अनुसार क्या होना चाहिए, कारखानों के अंदर में इमरजेंसी प्लानिंग स्थापित होना चाहिए। इमरजेंसी प्लानिंग के सारे कार्रवाई स्थापित होनी चाहिए। इमरजेंसी प्लानिंग दो तरह की होती है जो हम इस प्रकार से जान सकते हैं। पहला है ऑनसाइड इमरजेंसी, दूसरा है ऑफसाइड इमरजेंसी। अब ऑनसाइड इमरजेंसी और ऑफसाइड इमरजेंसी क्या है, इसके बारे में सबसे पहले जानना जरूरी है। ऑनसाइड इमरजेंसी का मतलब होता है प्लांट के अंदर की कार्रवाई को बोलेंगे ऑनसाइड, और प्लांट के बाहर की जो कार्रवाई है उसको बोलेंगे ऑफसाइड। तो ऑनसाइड इमरजेंसी की जो प्लानिंग बनानी होती है, ऑनसाइड इमरजेंसी स्थापित करने का सारे जो कार्य होता है वो होता है कारखाने। अब ऑनसाइड इमरजेंसी के जो नियम है, जो एक्ट है, वो कैसे होते हैं वो इस लेशन के माध्यम से हम लोग जानेंगे। और ऑफसाइड इमरजेंसी की ड्राइंग कैसे होती है, उसकी प्लानिंग कैसे होती है, उसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले इमरजेंसी प्लानिंग्स में क्या क्या रहता है, इमरजेंसी प्लानिंग काय काय की बनती है। तो सबसे पहला है अंदर में या उस एरिया में लगने वाले आग के संबंध में प्लानिंग बनी होना चाहिए। किसी प्रकार का बाढ़ आती है, किसी प्रकार का भूकंप हो जाता है, किसी प्रकार का कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाता है, तो ऐसे घटनाओं के दौरान क्या करना है, मजदूरों को क्या करना है, कर्मचारियों को क्या करना है, इमरजेंसी सर्विस को क्या करना है, सुपरवाइजर को क्या करना है, सेफ्टी डिपार्टमेंट को क्या करना है, ऐसी सारी प्रोसीजर इस प्लानिंग के माध्यम से तैयार की जाती है। इसलिए इससे कहा जाता है इमरजेंसी प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है कोई भी जो काम होता है उसको करने के लिए एक नियोजन को कहते हैं प्लानिंग। तो उस काम को हमको किस प्रकार से पूरा करना है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी काम की प्लानिंग करते हैं। तो ऐसे नियोजन को हम लोग बोलते हैं प्लानिंग। तो भूकंप आने पे, आग लगने पे, या बिल्डिंग गिरने पे, या किसी प्रकार का पैनिक फैलने पे किसको क्या कार्य करना है, वर्कर्स को कहाँ इकट्ठा होना है, कैसे करना है, दौड़ना है या नहीं दौड़ना है, इसके बारे में क्या की जाती है, प्लानिंग में सारी तैयारी की जाती है। तो ऑनसाइड इमरजेंसी प्लानिंग का जो नियम होता है उसमें क्या क्या होते हैं वो हमको जानना जरूरी होता है। सबसे पहले असेंबली पॉइंट्स होते हैं। असेंबली पॉइंट्स हर कारखानों में, असेंबली पॉइंट्स का मतलब होता है हिंदी में एकत्रित होने की जगह। और असेंबली पॉइंट्स एकत्रित होने की जगह ऐसे जगह में बनाई जाती है जहाँ पे कोई स्ट्रक्चर ना हो, या जिसको हम बोल सकते हैं खुले मैदान में बनाई जाती है, ताकि कोई भी घटना घटने पे क्या हो सके, सारे वर्कर्स आके वहाँ पे पॉलिंग हो सके, अपनी स्क्वाड में या अपने लाइन में लग सके, ऐसी खुली जगह को कहते हैं असेंबली पॉइंट्स। तो ये भी इमरजेंसी प्लानिंग में ऑन साइड में तैयार किया जाता है। अब ये इमरजेंसी प्लानिंग का जो सारा ड्राइंग्स है वो कंपनी के मैनेजमेंट द्वारा तथा चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री इसके द्वारा क्या किया जाता है, उसका एक रचना की जाती है, उसकी प्लानिंग की जाती है। अब उसी प्रकार से हम बात करते हैं ऑफसाइड इमरजेंसी प्लानिंग। ऑफसाइड इमरजेंसी प्लानिंग वो क्या होती है, प्लांट के बाहर होती है। अब उसमें प्लांट का हस्तक्षेप थोड़ा कम होता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल का हस्तक्षेप ज़्यादा होता है। जैसे कि सुरक्षा में पुलिस कर्मी और सरकारी एम्बुलेंस, इनको उसमें सज्ज होना पड़ता है। इसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इसकी स्थापना करता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इसकी पर वाच रखता है,
डिस्ट्रिक्ट का जो डीसीएम होता है वो क्या करता है, इसके ऊपर वॉच करता है। जो भी उस प्लान के बाहर जो भी घटना घटी हो, उस घटना के लिए क्या होता है, उसको भी प्लानिंग तैयार करनी होती है। तो इस इमरजेंसी प्लानिंग का एक ही उद्देश्य होता है कि कोई भी घटना घटने पर क्या किया जाए, उसका अच्छी तरह से कार्य किया जाए, उसमें सभी को तैयार किया जाए। अब इमरजेंसी प्लानिंग की जरूरत काय काय की होती है वो भी हमको जानना चाहिए। सबसे पहले कोई विस्फोट हो जाए प्लांट के अंदर या प्लांट के बाजू में, उस समय उस दौरान क्या करना है। आप किसी प्रकार की आग लग जाए उस समय बाकी जो कामगार है उनको क्या करना है। किसी प्रकार का कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाए उसमें क्या करना है, कैसे भागना है, नहीं भागना है, कहाँ भागना है, कहीं निकलना है। उसके बाद कोई जैसे एग्जांपल में कोई किसी प्रकार का आतंक फैलना हो, जैसे कि कोई वर्कर्स के बीच में झगड़े हो रहे हो जिसको हम लोग पैनिक बोलते हैं, तो ऐसे समय में ऐसे सिचुएशंस में क्या होती है, इमरजेंसी प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। इमरजेंसी प्लानिंग के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, होने वाले खतरों को, होने वाले जोखिमों को हम लोग कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। उसी प्रकार कार्यों को अच्छे चला सकते हैं, मेंटेनेंस का कार्य में हम लोग कार्य वही अच्छे चला सकते हैं। जैसे एग्जांपल में शटडाउन्स निकलते हैं, शटडाउन्स में आप भी जाते 2400 घंटा काम चलता है। अब शटडाउन्स में 2400 घंटा काम चलता है मतलब वर्कर्स का रोटेशन जो होता है वो होते रहता है, लेकिन काम वहाँ पर निरंतर चलता है। ऐसे कामों में क्या होता है, वर्करों का जैसा रोटेशन बदलता है वैसे ही वहाँ पर खतरे भी बदलने जाते हैं। अब उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहूँगा, जैसे नाइट के वर्कर ने कुछ गलती करके चले गया, अब सुबह जब डे का जो वर्कर आएगा उसको लगेगा कि नहीं नाइट में काम हुआ है सब सेफ होगा, जाके वो भी काम करने बैठ जाएगा, उस समय क्या हो सकती है उसके साथ घटना हो सकती है। अगर रात वाले ने नाइट वाले ने वहाँ पे कुछ गलती करके चला, तो ऐसे सिचुएशंस में ऐसी घटना ना हो इसलिए क्या की जाती है, हर कार्य को करने से पहले उसकी प्लानिंग तैयार की जाती है। उसी प्रकार से आपातकालीन प्लानिंग की योजना बनाई जाती है। अब ऑन साइड इमरजेंसी प्लान और ऑफ साइड इमरजेंसी प्लान, हमने दो तरह के प्लान जाने, दो तरह के हमने प्लान्स देखे। अब इसके लिए क्या क्या जरूरी है, ऑन साइड प्लान या ऑफ साइड प्लान को अच्छी तरह से चलाने के लिए क्या होता है, मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाता है। मॉक ड्रिल एक ऐसी प्रदर्शनी है जो घटना के पूर्व, घटना होने के पूर्व क्या किया जाता है उसकी पूरी तरह से तैयारी की जाती है। जैसे एग्जांपल में कोई नाटक या ड्रामा होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रेजेंट करने के पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसका रिहर्सल करते हैं। उसी प्रकार प्लांट के अंदर, कारखानों के अंदर कोई भी घटना जो वहाँ पे संभावना है, घट सकती है, ऐसी घटनाओं के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर मॉक ड्रिल करते हैं। अब मॉक ड्रिल का आयोजन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो भी हमको मालूम रहना चाहिए। सबसे पहले मॉक ड्रिल आयोजन करने के लिए वहाँ पे सायरन होना चाहिए। अब सायरन का भी सभी वर्कर सभी कर्मचारियों को नियम मालूम होना चाहिए कि कौन सा सायरन बजा कर क्या करो। जैसे एग्जाम्पल में 1 मिनट तक के अगर सायरन बजता है कंपनी का, तो समझ जाओ वहाँ पर इमरजेंसी हो रही है। अब कंपनी में हम भी जानते हैं हर लंच ब्रेक के लिए रेस्ट के लिए सायरन का प्रयोग हो जाता है, लेकिन हर सायरन इमरजेंसी में होता है। कोई सायरन कुछ सेकेंड्स का, फ्यू सेकेंड्स का बजता है, लेकिन अगर समझो कोई सायरन 1 मिनट का बजा हो तो समझ जाओ वहाँ पर क्या हो चुकी है, इमरजेंसी आ चुकी है। उस सिचुएशंस में वर्कर को क्या करना, सबसे पहले तो उनको पैनिक नहीं करना, ये बताना हमको, पैनिक बोले तो आता हूँ, भागना नहीं है उनको, वर्कर्स को हमको यही समझाना है कि आपको यहाँ से क्या करना है, अपनी कार्यस्थल की जगह छोड़ के असेंबली पॉइंट्स पे जमा होना है। इस तरह के क्या कहते हैं इमरजेंसी प्लानिंग्स में उनको समझाया जाता है, कि ये समझाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, वहाँ पर मॉक ड्रिल का आयोजन करना पड़ता है जिसको हम लोग प्रदर्शनी बोलते हैं। मॉक ड्रिल के माध्यम से हमको घटना के पूर्व सारी चीज़ें हमको पढ़ाई जाती है कि ये घटना कब हो जाएगी भविष्य में, तो हमको इस प्रकार से करना है। तो हर कारखानों ने
क्या करना चाहिए, इसका आयोजन करना चाहिए। यहाँ कारखाना कायदा 1948 के अनुसार, धारा बी के अनुसार, यहाँ स्थापित प्रावधान के अनुसार आपको आपके कारखानों में ये सारी चीज़ें करनी है। तो उदाहरण के तौर पर अगर कारखानों में कोई घटना होने की संभावना होती है, जैसे कोई पावर प्लांट की बात करते हैं, पावर प्लांट में क्या होता है, ज़्यादातर बॉयलर फटने का चांस होता है, बॉयलर ब्लास्टिंग का, या ट्रांसफार्मर में आग लगने का हाई टेम्परेचर की वजह से। तो ऐसी सिचुएशंस में हमको अगर पता रहे कि बॉयलर फटने के बाद आजू बाजू का जो क्षेत्र है उसमें कैसी सावधानी बरतनी चाहिए, जब मालूम होगा तो हम लोग सावधानी बरतेंगे, जब मालूम ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, भागेंगे, किसी चीज़ से टकराएंगे, या हो सकता है उस ब्लास्टिंग से कम और इतर चांस इतर इससे हम लोग ज़्यादा हमारा नुकसान हो सकता है। ये नुकसान को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इमरजेंसी प्लानिंग के माध्यम से ये सारी चीज़ें हम लोग पहले से ही तैयार करते हैं। ऐसी घटना अगर हो जाती है तो उस दौरान हमको क्या करना है। तो इस प्रकार से दो तरह की इमरजेंसी हमने देखी, ऑन साइड और ऑफ साइड। थैंक यू।